अच्छे और ऑनेस्ट सिटीजन हैं, एक ईमानदार नागरिक हैं। ये 50 साल के एक अनमैरिड पर्सन थे जो एक हाउसकीपर के साथ रहते थे जो इनका देख रेख करता था, उनकी हेल्थ का ध्यान रखता था, काफी चिंता करता था। वैसे तो हॉरिस स्टैंडबाय हमेशा फिट और हैप्पी रहते थे सिवाय गर्मियों के, क्योंकि उन्हें गर्मियों में फीवर हो जाया करता था। हॉरिस स्टैंडबाय ताला लॉक्स बनाने का काम किया करते थे और इनके पास दो हेल्पर भी थे। हॉरिस काफी अच्छे और इज्जतदार रिस्पेक्टफुल इंसान थे, लेकिन हाँ ये ज्यादा ईमानदार भी नहीं थे। इनका बिजनेस काफी अच्छा चलता था। 15 साल पहले हॉरिस को एक सजा मिला था प्रिजन लाइब्रेरी में, जो उनकी पहली और आखिरी सजा थी। इन्हें सबसे अलग महंगी रेयर एंड एक्सपेंसिव किताबों का बड़ा शौक था, तो वो हर एक साल इन किताबों के लिए एक पूरा सेफ ही चुरा लिया करते थे। हर एक साल वो ये भी प्लान किया करते थे कि उन्हें इस साल क्या करना है। वो इतना तो चुरा लिया करते थे कि उन्हें पूरा 12 महीना यूज कर सके, और वो उन बुक्स को चुपचाप खरीदा करते थे जो बुक्स उन्हें काफी पसंद आते थे। और ये सारी किताबें हॉरिस एक एजेंट से खरीदा करते थे। अब एक दिन ब्राइट जुलाई की बात है, जब वो सनसाइन में वॉक कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस साल की चोरी अब तक की सबसे बड़ी चोरी होगी, और वो इस चोरी के लिए पिछले 2 वीक से अच्छे से स्टडी कर रहे थे उस घर के बारे में जो सॉर्ट ऑफ ग्रंज में था। वो उस घर के बारे में अच्छे से स्टडी कर रहे थे कि घर में कितने रूम्स हैं, वायरिंग कैसी है, रास्ता और गार्डन कैसा है। अब इसी दोपहर की बात है जब सॉर्ट ओवर ग्रंज के दो नौकर भी घर को छोड़कर मूवी देखने चले जाते हैं। उस घर का पूरा फैमिली तो पहले ही लंदन में था, तो हॉरिस ने जब देखा कि घर पूरा खाली हो चुका है तो वो काफी खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें गर्मी में थोड़ी फीवर होती थी, उनकी वजह से उनके नोज में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। अब वो यानी हॉरिस गार्डन के पिछले दरवाजे से दीवार से अंदर आते हैं, और उनका पूरा सामान जो टूल्स थे वो भी अच्छे से एक बैग में पैक था जो उनके बैक पीठ पे लदे हुए थे। तो जैसे हॉरिस घर में घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के जेवल्स थे। तो वो सोचते हैं कि अगर वो इन जेवरात को एक एक करके भी बेचते हैं तो उन्हें लगभग 5,000 तो मिल ही जाएंगे, जो काफी था उनको हैप्पी रखने के लिए दूसरे साल तक। और ऑटम के सीजन में नए मजेदार बुक्स भी आने वाले थे जिन्हें वो खरीदना चाहते थे। तो हॉरिस ने ये देखा था कि जो सर्वेंट्स थे उन्हें घर की चाबी किचन के दरवाजे पर जो हुक था उसमें टांग दिया था। तो हॉरिस अपने हैंड ग्लव को पहनते हैं, चाबी को लेते हैं। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो अपनी फिंगरप्रिंट्स कहीं ना छोड़े। तो जैसे ही वो किचन के अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक डॉग वहां लेटा हुआ है। तो वो डॉग हॉरिस को देख थोड़ा घुर्राता है, नॉइज करता है, और फ्रेंडली तरीके से वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। हॉरिस उस डॉग का सही नाम पुकारते हुए कहते हैं, ऑल राइट सैरी। हॉरिस को ये अच्छे से मालूम था कि डॉग से कैसे निपटना चाहिए, बस आपका सही नाम लेके उसे आवाज दे और अपना प्यार दिखाए। तो जो घर का सेफ था, जो तिजोरी थी, वो ड्राइंग रूम में थी जो एक पुअर पेंटिंग के पीछे थी। तो हॉरिस सोचने लगते हैं कि क्या वो उन पेंटिंग को ही कलेक्ट क्यों ना कर लें बजाय किताबों के। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, किताबें ही अच्छी रहेगी छोटे रूम के लिए। वहीं पास में एक फ्लावर का बाउल रखा हुआ था जिसके डस्ट से उनकी नाक को काफ़ी तकलीफ हो जाती है, उनके नाक भर जाती है उस डस्ट से, और वो धीरे से छींक भी देते हैं। फिर वो अपना टूल बैग आराम से नीचे रखते हैं। हॉरिस के पास 4 घंटे थे इससे पहले कि वो सर्वेंट वापस आ जाए। उनके लिए उन तिजोरी को खोलना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो तो हमेशा से ही लॉक्स और तिजोरी सेफ के साथ ही रहते आए हैं।
फिर वो अलार्म के वायर को भी कट कर देते हैं हॉल में जाके। फिर जैसे वो वापस ड्राइंग रूम में आते हैं, वो इस बार जोर से छींक देते हैं, क्योंकि उस फ्लावर का स्मेल उन्हें फिर से आ रही थी जिसके ऊपर काफी धूल थी। अब हॉरिस सोचते हैं और कहते हैं कि लोग कितने फुलिस मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी कीमती वैल्यूएबल चीज होती है। हॉरिस ये भी सोचते हैं कि एक मैगजीन आर्टिकल वाले ने तो इस घर के बारे में सारी हिस्ट्री बता दी, सारी पिक्चर्स दिखा दी थी, सारे रूम की, और राइटर ने तो यहाँ तक लिख डाला था कि पेंटिंग के पीछे ही तिजोरी है, सेफ है। लेकिन वो फ्लावर बाउल हॉरिस को काफी तकलीफ पहुंचा रही थी, तो वो अपना मुंह हैंकरचीफ से ढक लेते हैं। तभी वो आवाज सुनते हैं जो ठीक उनके पीछे से आ रही होती है, जो कह रही थी, क्या हुआ, एलर्जी है क्या या हे फीवर है। इससे पहले कि हॉरिस कुछ समझ पाते या कुछ और बोलते, उनके मुंह से निकल गया एलर्जी है, और छींकना चालू कर देते हैं। तभी वो आवाज फिर से आती है जो कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो ये चीज तुम ठीक कर सकते हो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें किस प्लांट से एलर्जी है, और इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ अगर तुम अपने काम को सीरियसली करना चाहते हो। तब मैंने तो तुम्हारी आवाज अभी अभी ही सुनी जब मैं छत पे थी, वो आवाज काफी स्वीट थी। तो ये लेडी पीछे के दरवाजे पे खड़ी थी, और जो सैरी होता है वो उस लेडी के चारों तरफ अपनी बॉडी को रब करते रहता है। जब डैन बाय उस लेडी को देखते हैं तो वाह क्या दिख रही थी, वो लेडी यंग ब्यूटीफुल थी और रेड कलर के ड्रेस पहन रखी होती है। वो आगे धीरे से फायरप्लेस की तरफ आती है और वहां पे रखे ऑर्नामेंट्स को ठीक करती है। वो लेडी सैरी से डॉग से कहती है, सैरी सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैं तो एक मन से यहाँ पे थी ही नहीं। वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मैं तो यहाँ पे सही टाइम पे आ गई, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी एक बगलर चोर से मुलाकात हो जाएगी। ये सब सुन हॉरिस को लगा कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हॉरिस को लगा कि वो लेडी थोड़ी सी खुश दिख रही होती है उन्हें, यानी हॉरिस को देखकर। तो ये सोचने लगे कि अगर वो उस लेडी को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो हॉरिस ने कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे भी इस घर के एक फैमिली मेंबर से मुलाकात हो जाएगी। तो ये सुन वो लेडी कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए किसी से मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हॉरिस कहते हैं कि मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आया था वो ये था कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो इस पे लेडी कहती है, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, वरना मैं तो पुलिस को फोन कर दूंगी, तुम्हारे बारे में बता दूंगी और वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। तो हॉरिस कहते हैं, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, और भागते हुए मैं टेलीफोन के वायर्स कट कर दूंगा जो मेरे लिए कुछ समय कुछ घंटे काफी रहेंगे। हॉरिस के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आती है। तो ये सुन लेडी सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो हॉरिस थोड़ा सा रुकते हैं और फिर कहते हैं, अरे मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। तो इस पे लेडी कहती है, तुमने मुझे नहीं डराया। तो इस पे फिर हॉरिस कहते हैं एक सजेशन देते हुए कि तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने कभी भी मुझे देखा है। और तभी उस लेडी ने जोर से कहा, व्हाई शुड आई, मैं क्यों, तुम तो मेरे घर चोरी करने आए थे, और अगर मैंने तुम्हें यहां से जाने दिया तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे, और तुम्हारे जैसे लोगों से इस सोसाइटी को बचाना काफी जरूरी है। तो इस पे हॉरिस कहते हैं स्माइल करते हुए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो लोगों को सोसाइटी को डराता है, मैं तो बस
उन्हें लूटता हूँ जिनके पास काफी पैसे होते हैं, और मैं एक अच्छे से रीजन के लिए चुराता हूँ, और मुझे जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब बात सुन वो लेडी मुस्कुराती है, तो हॉरिस को लगा कि उन्होंने उस लेडी को कन्विंस कर लिया है। तो हॉरिस अब कहते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि मेरे को कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ तुम्हें, लेकिन फिलहाल मुझे ये करने दो, और आगे से मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये बात मैं सच कह रहा हूँ। वो लेडी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है हॉरिस से, क्या तुम्हें सच्ची में डर लगता है जेल जाने से? वो कहते हुए हॉरिस के पास आती है और कहती है अपना सर हिलाते हुए कि मुझे तुम जैसे लोग काफी पसंद हैं जो गलत काम करते हैं। फिर वो टेबल के ऊपर सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट निकालती है। अब हॉरिस को लगा कि ये लेडी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी मदद करते। तो वो अपने ग्लव्स को निकालते हैं और लेडी को सिगरेट लाइटर देते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? लेडी कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तब। तो हॉरिस कहते हैं हाँ जरूर, जो तुम कहो। तो वो लेडी कहती है लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि वो सारे ज्वेल्स बैंक से निकाल लेगी, लेकिन उन सारे ज्वेल्स को सेफ में छोड़ के मैं चली गई थी, लेकिन मैं ये ज्वेल्स को आज के पार्टी के लिए पहनना चाहती हूँ। तो इस पे हॉरिस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम उस सेफ को खोलने का नंबर भूल गई हो। तो लेडी कहती है हाँ। तो हॉरिस कहते हैं कोई बात नहीं, ये चीज मुझ पे छोड़ दो, बस एक घंटे में सारे ज्वेल्स तुम्हारे पास होंगे, लेकिन इसके लिए सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो लेडी कहती है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे हस्बैंड एक मंथ के लिए बाहर गए हैं, तो तब तक इससे मैं ठीक करा दूंगी। एक घंटे बाद हॉरिस ने सेफ में से ज्वेल दे दिया और वहां से खुशी खुशी चले गए। दो दिन तक उन्होंने हॉरिस ने अपना प्रॉमिस को रखा, और तीसरे दिन की सुबह को उन्होंने सोचा कि उन्हें जो बुक्स खरीदनी थी उसके लिए तो उन्हें दूसरा सेफ तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला नए प्लान के ऊपर काम करने का। अब उसी दोपहर को पुलिस ने हॉरिस को अरेस्ट कर लिया चोरी के लिए, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट सेफ पे मिले थे। सभी जगहों पर हॉरिस के जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सभी जगह पे मिले थे। हॉरिस के बातों का किसी ने भी विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि खुद ओनर की वाइफ ने ये कहा कि सेफ खोलकर ज्वेल्स को देना है। अब एक लेडी जिनके बाल ब्लैक एंड वाइट थे, 60 साल की उम्र की थी, उन्होंने कहा ये कहानी झूठी है, बकवास है। अब हॉरिस एक जेल में ही असिस्टेंट लाइब्रेरी का काम कर रहे थे, और वो हमेशा उस लेडी के बारे में सोचा करते थे जो खुद भी इस प्रोफेशन में थी, जो खुद भी एक चोर थी, जो हॉरिस को अपने चाल में फंसा लिया था। हॉरिस हमेशा गुस्सा हो जाया करते थे जब भी वो ये सुनते थे किसी को बातें कहते हुए कि चोरों में भी आपस में ईमानदारी होती है। तो स्टूडेंट ये थी फुल एक्सप्लेनेशन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। तो अब तक तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वो दूसरी लेडी कोई और नहीं, वो खुद भी एक चोर थी, और चोरों में ईमानदारी नहीं होती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक शेयर एंड